राजगढ़ जिले की तलैन नगर परिषद ने नीलाम दुकानों से राशि वसूलने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नगर परिषद का अमला गुरुवार को दुकानदारों के पास पहुंचा और समय पर बकाया राशि जमा नहीं करने पर दुकानों को सील करने की चेतावनी दी। तलैन नगर के मेला ग्राउंड में स्थित नगर परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के दुकानदारों द्वारा दुकान नीलामी की बकाया राशि कुछ दुकानदारों द्वारा जमा नहीं की गई थी, जिसको लेकर गुरुवार को नगर परिषद अमले ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को अंतिम सूचना दी कि जल्द ही नीलामी की राशि को जमा नहीं कराया तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगर परिषद CMO अशवाक खान, थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती सहित नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहा। सर, 2019 में नगर परिषद द्वारा 21 दुकानों का मेला ग्राउंड में निर्माण किया गया था, जिसकी विधिवत बोली दुकानदारों द्वारा लगाई गई थी। जिसकी अधिक बोली थी उसको दुकान यहाँ पर विधिवत तरीके से उसको उसके नाम से दुकान आवंटित की गई थी, जिसमें से 7 दुकानदारों द्वारा अभी तक संपूर्ण राशि जमा करा दी गई है। बाकी दुकानदारों द्वारा राशि जमा नहीं करी जा रही है, इसके संबंध में इनको बार बार नोटिस भी दिए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये शासन द्वारा आजकल निकायों को कोई राशि आवंटित नहीं करते हुए सबके द्वारा राशि अपने यहाँ पे मतलब इनकम के सोर्स खुद के द्वारा स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंदर द्वारा यहाँ पर इनको राशि जमा कराने को बोला गया है। क्योंकि बार बार कई बार इनको नोटिस शामिल कराए गए हैं, लेकिन राशि जमा नहीं की जा रही है। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।